नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल। दाल तो आमतौर पे सभी बनाते हैं घरों में, लेकिन ये दाल बनाने का तरीका जो हमारे पहले नानी दादी बनाती थी वही से तरीका ठीक था। आजकल हम लोग उस तरीके से नहीं बनाते, तो उसको देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये समझ आए कि क्या गलती करते हैं हम लोग। और सबसे पहले तो हमें इसके लिए दाल को भिगोना है। मैंने अच्छे से दाल को लेके भिगो दिया था। इसको 1 घंटे कम से कम भिगोना है ताकि दाल यूं तोड़े तो नाखून से भी टूट जाए। इससे पचने में अच्छी होती है, पच जल्दी से जाती है। जब हम लोग खाते हैं तो बहुत हल्की महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि दाल कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से बनाने से जो जॉइंट प्रॉब्लम होती है, जो यूरिक एसिड बढ़ा होता है हम लोगों के, वो नहीं होगा। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण सबसे बड़ा है जब हम बूढ़े बच्चे सभी के किसी के हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, वो सब यूरिक एसिड की वजह से होता है। तो आज आपको मैं ये दाल बनाना सिखा रही हूँ, इसको आप देखिए और 1 मिनट मेरे कहने से ट्राई कीजिए, फिर अपने परिवार की सेहत में बदलाव देखिए। उसके लिए मैंने ये दाल भिगो के रखी थी, अच्छे से 2-3 बार धोया था, फिर इसको 1 घंटे भिगोया था। इसके लिए और 2 टमाटर काटे हैं और ये अदरक, 5-6 लहसुन की कलियां और छोटा सा पीस अदरक का, और 2 हरी मिर्ची काटी है मैंने। और इसको पहले तो हमारी दादी नानी सब पतीली में भगोनी में बनाते थे, लेकिन देखो मैं ऐसी था जैसे हम लोग कुकर में बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ। अभी इसका सीक्रेट आप देखते जाओ कि इसका सीक्रेट क्या है जो हम लोग गलती करते हैं बनाने में। ये हमने कुकर पे दाल चढ़ा दी है और ये डाल रहे हैं इसमें नमक और ये 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इसे बॉयल आने देते हैं। दोस्तों देखो ये कितने झाग आ रहे हैं, इन झागों को निकालना ही जरूरी है। ये देखो मैं निकालती हूँ। झाग ही होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत खराब होते हैं, इसी से यूरिक एसिड बनता है। ये देखो कितना सारा निकला है 1/2 कटोरी दाल में ही, और यही है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और अब हम देखो नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। ये देखो 2 टमाटर लिए थे मैंने, 1 प्याज, 2 हरी मिर्ची और लहसुन अदरक मैंने कद्दूकस किया था, और ये सब हम इसमें ही ऐड कर देंगे। और अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तभी समझ आएगा इसमें क्या करना है। और ये अब इस पर ढक्कन लगा देते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ताकि मैं आगे और अच्छी आपको कोई वीडियो बता सकूं। इस पे अभी 3-4 विसल आने देंगे, फिर इसकी हवा निकलने के बाद इसको खोलेंगे। देखो दोस्तों अब इसकी अच्छे से हवा निकल चुकी है। अब हम कुकर को खोल रहे हैं
ये देखो दाल एकदम परफेक्ट तरीके से घुट चुकी है। और अब इसमें तड़का और लगाते हैं। बहुत सिंपल और एकदम सादी दाल है। ये देखो मैंने घी लिया है छोटे फ्राई पैन में। दोस्तों आजकल सभी घरों में जॉइंट प्रॉब्लम की हो रही है, बच्चों को बड़ों को, और इस तरीके से दाल बनाकर खाइए और इस बीमारी से छुटकारा पाइए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सबके पास शेयर कीजिए। इसमें डाल लेंगे एक चम्मच जीरा, जीरा तड़कने लग गया तो अब इसमें डाल लेंगे ये जरा सी हींग, और ये अब डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्ची, और ये एक चम्मच डाल रहे हैं इसमें। देखना कितना अच्छा कलर आएगा। गैस को कर देते बंद और इसको डाल देते। ढकना है ताकि इसकी अच्छे से खुशबू हो जाए। इसमें 2 मिनट हो गए हैं इसको ढके हुए। देखो अब कितना अच्छा कलर आया इसका। एकदम सादी और सिंपल दाल, और एकदम हल्की, खाने में पचाने में सब तरीके से अच्छी लगेगी परिवार में जब सब लोग खाएंगे इसको। मेरे बच्चों को दरअसल हरा धनिया पसंद नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ। आप लोग इसमें हरा धनिया और डालें तो और टेस्ट डबल हो जाएगा। और ये देखो कितनी अच्छी दाल बन के तैयार हुई है। रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, इसके साथ मन करे सर्व करो, खाइए। और आप लोग बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।